दिया टेबल की टू मेथड्स। हमने टेबल बनाया, प्राइमरी की सेट की, फॉरेन की सेट कर ली, राइट है। अभी टेबल बना के करेंगे क्या हम, क्वेरी फाइंड आउट के, ओके। डेटाबेस के अंदर लॉट्स ऑफ डेटा है, पर डेटा सब हमारे लिए काम का है ऐसा कंपलसरी नहीं है, ओके। तो जैसे मोबाइल के अंदर कितने सारे कॉन्टेक्ट नंबर है, सब एक साथ यूज नहीं करना है। आप मोबाइल नंबर में एट द टाइम वन टाइम ही कॉल कर सकते हो। ऐसे ही गूगल के अंदर आप कितने सारे पूरे वर्ल्ड के डेटा है, पर वो सब डेटा को आपको फाइंड आउट करना हो तो हम इसको बोलते हैं क्वेरी या क्वेश्चन मार्क्स। तो पर हेड, ओके, क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंट होता है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबका अलग अलग डेटाबेस है। डिफाइनिंग द क्वेरी तो लिखा है बेसिकली मीन्स ऑफ द आस्किंग द क्वेश्चन डूइंग द इंक्वायरी परफॉर्म द एनालिसिस। हम एनालिसिस के लिए ये सब डेटाबेस और क्वेरी बनाते हैं। अभी हम यहाँ पे क्वेरी बना के पूछे, क्वेरी बना के टोटल मेथड कितनी है, थ्री, डिजाइनिंग, विजार्ड एंड एसक्यूएल। टोटल थ्री मेथड से हमको क्वेरी डिजाइन करना है। बट यहाँ पे और भी क्लैरिफाई ये किया है, हम विजार्ड के थ्रू बोले तो विजार्ड के अंदर एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म एसक्यूएल, विजार्ड का बोलो एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या है फुल फॉर्म है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ओके। उसके अंदर भी ऐसे ही पॉइंट्स है, आपको पूछा गया क्वेरी विजार्ड के स्टेप कितने टोटल बोलो, कितने स्टेप अवेलेबल हो, एट, ओके। अभी सबसे पहले फील्ड सिलेक्शन, थोड़ा सा कोड ही नहीं रखना, अदरवाइज मालूम नहीं पड़ेगा। सबसे फर्स्ट है ओके फील्ड सिलेक्शन, मैंने फील्ड सिलेक्शन सॉर्टिंग ऑप्शन। अभी एग्जाम में आपको पूछा क्वेरी विजार्ड का यूज करके कितने टाइप सॉर्टिंग कर सकते हो, फोर स्टेप में सॉर्टिंग कर सकते हो, ओके। बाद में थर्ड जो स्टेप है वो सर्च कंडीशन है। देखो सर्च कंडीशन के अंदर कहीं इतनी सारी वैरायटी है, उसमें भी मैचिंग ऑल के अंदर थ्री फील्ड में आप सर्च कंडीशन लगा सकते हो, कंडीशनल, यहाँ पे कंडीशन और वैल्यू। भाई जिसका फील्ड के अंदर कस्टमर नेम इज इक्वल टू सा लिखा हो, और ध्यान रखना केस सेंसिटिव है, तो आपको है ना क्वेरी डिजाइन करने से पहले टेबल में वही रिकॉर्ड डालना है जो आप सर टीचर्स को दिखा सकते हो, ओके। जैसे मैम ने ऐसे पूछा है भाई पटेल सरनेम वाले का रिकॉर्ड दिखाओ, और आपके टेबल में पटेल सरनेम होगी नहीं तो रिकॉर्ड कैसे दिखाओगे। तो क्वेरी डिजाइन करने से पहले ध्यान ये रखना है कंपलसरी आपको टेबल बनाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट इलियास नेम, इलियास का मीनिंग क्या होता है, निक नेम, टेम्पररी उसको अलग नाम बना देते हैं। जैसे कस्टमर कोड है तो उसका निक नेम है सी कोड, कस्टमर का फर्स्ट नेम है हम उसको नेम बोलते हैं, कस्टमर का लास्ट नेम है बट मैंने उसका निक नेम क्या रखा है सरनेम। समझ में, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ईमेल आईडी, पर यहाँ पे नाम क्या लिखा है ईमेल एड्रेस, तो उसको बोला जाता है निक नेम मीन्स एलियास नेम, और लास्ट में उसको ऑब्जर्व करना है। ओवरव्यू तो ये हो उसका मेन न्यूज। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कंडीशन सर्च करना हो क्वेरी के अंदर। देखो यहाँ पे कितनी सारी क्वेरीज है, उसके अंदर हमको क्लैरिफाई करना हो तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं ऑपरेटर आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ग्रुपिंग करना हो, ग्रुप मीन्स व्हाट, बल्क में आपको ये सब डेटा सर्च करना हो तो एसेंडिंग डिसेंडिंग दो करना है अपन बल्क में, और यहाँ पे प्राइमरी की ज्यादा है, तो अभी देखो यहाँ पे सब प्रैक्टिकल ज्यादा है, ओके, थ्योरी लेस होती है। पर फिर भी आपको मैं जो मेन मेन जो ऑप्शन है अभी एग्जाम के लिए अंदर वाइवा एमसीक्यू में इम्पोर्टेंट है वो समझा देता हूँ। डिजाइनिंग क्वेरी का टूल्स है,
टेबल के अंदर एक्स्ट्रा टेबल ऐड करना हो तो उसके अंदर जो रन करने का ऑप्शन है, रन करने की शॉर्टकट की क्या है, याद है किसी को? जो आप डिजाइन के अंदर रन करते हो क्या है? F5, ध्यान रखना, नहीं हो तो अपने टेक्स्ट बुक में नोट डाउन भी करते जाना। ये है ना, एक्चुअली मैं 11th के अंदर रिवीजन के अंदर अंडरस्कोर करो, अंडरलाइन करवाता हूँ। मेरे जो आप कितने सारे स्टूडेंट के टेक्स्ट बुक देखोगे तो जैसे चैप्टर 11 का खत्म होता है ना अंडरस्कोर, पर ये साल हमको टाइम ही नहीं मिला है ना। अंडरस्कोर तो साइड की बात है, रिवीजन और प्रॉपर एग्जाम भी लेने के, क्योंकि वीक के अंदर मिनिमम 2 लेक्चर्स चाहिए, प्रैक्टिकल भी टाइम टू टाइम कम्प्लीट हो जाना चाहिए, तब ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। जो आप कंफ्यूजन है, इतना डबल कंफ्यूजन हम है। ओके, तो ये हुआ उसका मेन। अभी देखो इतने सारे टेबल है, कस्टमर है, सिटी है, स्टेट है और कंट्री, और सबका अलग अलग यूज किया है। देखो यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर है, एड्रेस के लिए वापस नया टेबल लिया हुआ है, सिटी का भी यहाँ पे है, ठीक है, स्टेट का यहाँ पे है, पिन कोड वापस यहाँ का है, कंट्री नेम वापस यहाँ के लिए। तो सब टेबल को मिक्स करके भी हम क्वेरी बना सकते हैं, पर ये डिजाइनिंग में पॉसिबल है। विजार्ड के अंदर एट द टाइम सिंगल है। अभी क्वेरी को एडिट करना हो तो राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। अभी इम्पोर्टेंट ये है, एग्जाम्पल यूजिंग फॉर सिंगल फील्ड। सिंगल फील्ड के अंदर जब डेट आता है, डेट, तो कंपलसरी आपको उसके आगे हैशटैग लगाना है। नंबर के अंदर उसको बोला जाता है डेलीमीटर, राइट है? कोई देखो यहाँ पे अच्छी ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे सिटी का नाम लेता हूँ, सिटी का, तो यहाँ पे अहमदाबाद, तो सिट क्राइटेरिया के फील्ड के अंदर और सिटी के कॉलम के अंदर मुझको ये लिखना है। क्लियर है इतना? तो ये उसका मेन न्यूज। उसके बाद मोस्ट एमपी ये ऑपरेटर है, इसमें एवरी ईयर इसमें से एमसीक्यू बना के पूछे जाता है। टोटल ऑपरेशनल के अंदर कितने हैं? बेस के अंदर 3। कंपैरिजन ऑपरेटर टोटल कितना है? 6। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट। ओके, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर कितने हैं? 3, एंड और नॉट, और स्पेशल ऑपरेटर है टोटल 4, लाइक इज, बिटवीन और इन। ओके, अभी हम इसका यूज करने वाले हैं। पर एग्जाम में आपको पूछा कोई अल्फाबेट की क्वेरी हो, अल्फाबेट की क्वेरी हो, तो उसके अंदर क्या लिखने का? सिंगल कोट स्टार्ट, सिंगल कोट ओवर, वो लिखने का। उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। देखिए कोई डेट की क्वेरी हो, सिंगल फील्ड के अंदर हो, तो उसके आगे रिलेशनल ऑपरेटर विद हैशटैग, और वापस यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना है, हैशटैग करके सब क्लैरिफाई करना है। बट रेंज बनानी हो आपको तो यहाँ पे ये रेंज बनाने का, और बीच में क्या यूज करना है आपको? एंड। एग्जाम में आपको पूछा जब रेंज बनानी हो तो कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है? एंड का। कौन सा ऑपरेटर है?